हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। सभी बहुत और खुश और बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। तो टाइम है अभी 4:15 बजे का, इवनिंग का, और मैं रेस्ट करके उठ चुकी हूँ। और अब मैं बना रही हूँ दूध एंड कॉफ़ी। दूध बनाऊंगी नियो के लिए, कॉफ़ी बनाऊंगी मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। चाय हम लोग पीते नहीं हैं तो कॉफ़ी ही पीते हैं, डेली नहीं पीते हैं, लेकिन ठीक है, कभी अगर हस्बैंड घर पे ही होते हैं, ऐसा होता है तो मन हो जाता है अगर, तो हम पी लेते हैं। तो दूध मैंने चढ़ा दिया है गैस पे गर्म होने के लिए। तब तक साइड में मैं जो भी बर्तन मॉर्निंग के थे, मैंने धोए थे, वो मैं जमा दूँगी। और दूध गर्म होने के बाद मैंने कॉफ़ी पाउडर जो था वो कप के अंदर ही डाल दिया, और उसके बाद उसी में मैंने दूध डाल के मिक्स कर लिया। तो कॉफ़ी मेरी बन के रेडी हो गई। बहुत ज़्यादा मेहनत मैं कॉफ़ी बनाने के लिए नहीं करती हूँ, और दूध और कॉफ़ी लेके मैं आ गई हूँ। और कपड़े भी मैं बाहर से लेके आ गई थी, तो कपड़े भी मैं फ़ोल्ड कर दूँगी, क्योंकि एकदम गरम गरम कॉफ़ी मैं नहीं पीती हूँ, थोड़ी सी ठंडी हो रही है। तब तक मैं कपड़े फ़ोल्ड कर दूँगी, बैठूँगी नहीं। और साथ साथ हमारी बातें भी चल रही है। मेरे ब्रदर इन लोग भी आ गए, उनको कॉफ़ी नहीं पीनी थी इसलिए उनके लिए नहीं बनाई। और हम तीनों लोग बातें कर रहे हैं। न्यू भी बीच बीच में पता नहीं क्या इसकी बातें कर ही रही है। एंड पता नहीं किस टॉपिक पे हम लोग ऐसी चर्चा कर रहे थे कि बहुत मज़ा आ रहा था बात करने में। और आज मैं बनाने वाली हूँ डिनर में सूजी के चीले, तो साथ में बनाऊँगी नारियल की चटनी। तो उसके लिए नारियल छीलने के लिए मैंने दे दिया है मेरे देवर को, वो नारियल छील देंगे। और मैं आ गई हूँ चीले में भी डालने के लिए, मुझे करी पत्ते चाहिए और चटनी में भी मुझे डालने हैं। तो मैं अपने गार्डन में ही करी पत्ते लगे हुए हैं, एकदम ताज़ा ताज़ा मस्त खुशबू वाले, तो वो करी पत्ते में तोड़ने के लिए आ गई हूँ गार्डन में। और जैसे ही मैं गार्डन से कड़ी पत्ते तोड़ के सिर्फ गार्डन के गेट तक ही आई थी, और एकदम से ऐसा मौसम बना और इतनी तेज़ हवाएं चली, और हवा चलने के साथ ही जब तक मैं अंदर पहुंची ना, इतनी देर, मतलब आप समझ लो कि कितना टाइम हुआ होगा, और 4 से 5 सेकंड के अंदर इतना एकदम से मौसम चेंज हुआ, और बहुत भयंकर वाली बारिश चालू हो गई थी। तो मौसम काफ़ी सुहाना भी हो गया था, बहुत अच्छा मौसम हो गया था, बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, तो बहुत गर्मी में मतलब परेशान हो रहे थे, तो बारिश आ गई आज, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और अब मैं बना रही हूँ, पापा के आज व्रत है, उनको खाना तो नहीं खाना है, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी वगैरह हो रही है, तो जो पीन खजूर होती है ना उसका मैं दूध बना रही हूँ। तो 4 से 5 पीन खजूर मैंने डाल दी है, और उसके साथ ही मैं वेजिटेबल चीले बनाने के लिए मैंने मटर ले लिए हैं फ्रोज़न वाले, और वो उनको वॉश कर दिया। उसके बाद उसमें एक टमाटर, एक छोटी सी गोभी थी मेरे पास वो मैंने डाल दी है, हरा धनिया, और भी कोई सब्ज़ी हो आपके पास जो इसमें डाल सकते हैं, आपको अच्छी लगती है तो वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। सब तो सब कुछ मैंने चॉपिंग करके रख दी है, और साथ ही मेरे देवर ने नारियल की गिरी भी निकाल के मुझे दे दी है, तो वो भी मैं नारियल की चटनी बनाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं बैटर बना के रख देती हूँ, तो उसके लिए मैंने सूजी ले ली, और सूजी में सारी ही जो सब्ज़ियाँ चॉप करी थी वो मैंने डाल दी, नमक डाल दिया और जीरा डाल दिया, और साथ ही सुबह की कुछ दाल बची हुई थी तो वो भी मैंने इसमें डाल दी है। सबको मिला के इस तरह का बैटर मैंने बना दिया है, और आधे घंटे के लिए इस बैटर को रेस्ट होने दूंगी। तब तक के लिए मैं बना दूंगी चटनी, और चटनी में मैंने नारियल, थोड़ा सा हरा धनिया, 2 हरी मिर्ची, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और जीरा डाल दिया है, और थोड़े से मैंने इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए डाले हैं मूंगफली के दाने। मूंगफली के दाने की जगह हम जो दरिया बोलते हैं, जिसको दारिया बोलते हैं शायद, आई थिंक, जो चने की दाल होती है वो भी हम लोग इसमें डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छा सा टेस्ट इसका आ जाता है। तो चटनी मेरी बन के रेडी है। आज मैं चटनी में तड़का नहीं लगाऊंगी, सिंपल ही बना रही हूँ, और ये तड़का मैं लगाऊंगी जो सूजी का बैटर मैंने बनाया है ना, बहुत ही अच्छी खुशबू देगा इसको, और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी देगा ये सूजी के चीले को। तो ये इसमें मैंने ऑयल डाला और कुछ करी पत्ते और जीरा डाल के इसका जो छोंक बनाया मैंने वो डाल दिया सूजी के बैटर में, और अच्छे से हिला के, और फिर 3 तवे मैंने एक साथ चढ़ा दिए हैं गैस पे, ताकि फटाफट से चीले बन जाए और मेरा फटाफट काम ख़त्म हो जाए। तो 3-3 चीले एक साथ बनेंगे, हम 3 लोग खाने वाले हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और देवर। मम्मी पापा के व्रत है और नीयू, बस नीयू का एक चीला होता है, बाकी हम लोग खाएंगे। तो फटाफट से मैं बना दूंगी चीले और फटाफट से फ्री हो जाऊंगी।
काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होते हैं ये सूजी के चीले। आप भी एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करना, और अगर आप पहले से ही बनाते हैं तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपकी रेसिपी में कोई चेंज है थोड़ा सा तो भी मुझे बताना ज़रूर। अगर मुझे पसंद आएगा तो मैं भी आपका तरीका यूज़ करूँगी, लेकिन प्लीज़ कमेंट में बताना। तो अब मेरा देखिए, मैंने तीनों चीले फैला दिए हैं। और आप सब लोगों की जन्माष्टमी कैसी रही, बारिश हुई कि नहीं हुई, कैसे आपके वहाँ के फंक्शंस हुए, वो भी मुझे आप ज़रूर बताना। आप व्यूज़ तो मेरे वीडियोस पे आ रहे हैं, लेकिन जितने व्यूज़ आ रहे हैं उतने लाइक भी नहीं आ रहे हैं, और कमेंट तो एक भी नहीं आ रहा है। पता नहीं क्यों आप कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, एंड एक छोटा सा कमेंट अगर आप मेरे लिए छोड़ दोगे ना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे, इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाऊँगी। और ये मेरे चीले देखिए बनके रेडी है, और मैं लगा रही हूँ अपने हस्बैंड की प्लेट। तो सिर्फ चीले और साथ में है नारियल की चटनी, अगर सॉस होता तो वो भी देती, लेकिन सॉस कल ही ख़त्म हो गया था। तो इतना टेस्टी डिनर करने के बाद इतने सारे बर्तन मेरे हो गए हैं, तो बर्तन मैं क्लीन करूँगी। और बर्तन क्लीन करते करते पता नहीं दिमाग में क्या आया, तो मैंने सोचा कि आज कुछ थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर दी जाए किचन में। तो हम लोग मतलब नल का पानी आता है, जो म्यूनसिपल्टी का पानी आता है ना, वो 2 दिन में एक बार आता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो उसके लिए फिर कभी कभी क्या होता है ना कि 5-6 दिन ऐसा भी होता है कि जब पानी नहीं आता है, या फिर कभी पानी आता है तो लाइट नहीं होती और उस टाइम हम पानी नहीं भर पाते हैं। तो इसके लिए हम ज़्यादा पानी स्टोर करके रखते हैं, ताकि अगर 3-4 दिन ना भी पानी मिले ना तो भी पानी चल जाए। और ये देखिए पानी ट्रांसफ़र करते हुए पानी ढुल गया और सारा काम मेरा बढ़ गया। तो वो पानी जो हम भरा हुआ रहता है ना डेली, जो सामने हमारे गड़े रहते हैं वो तो यूज़ हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रहते हैं कि जो यूज़ में आते ही नहीं है। कभी कभी तो महीना भर निकल जाता है, 1.5 महीना भी निकल जाता है, और वो बर्तन खाली नहीं होते हैं। तो आज मैंने वो जो बर्तन थे वो खाली कर दिए, और उनको मैं अच्छे से वॉश करूँगी। और जब मैंने वो निकाले तो देखा कि थोड़ी बहुत गंदगी भी मुझे नज़र आ रही थी, तो मैंने देखा कि हाथों हाथ इसकी क्लीनिंग हम कर देते हैं। तो मैंने सारे ही पानी के जो बर्तन थे वो सब बाहर निकाल दिए, और अच्छे से झाड़ू से मैंने क्लीन किया। उसके बाद मैं गीले पोछे से भी क्लीन कर रही हूँ, और पोछे के पानी में मैंने फिनाइल वगैरह डाल दिया है, ताकि अच्छी सी खुशबू भी आ जाए, और छोटे मोटे कुछ कीड़े वगैरह हो तो वो भी साफ़ हो जाए, निकल जाएँ। और अगर नहीं भी हैं तो भी अगर फिनाइल की खुशबू होती ना तो कीड़े आते नहीं हैं। तो इस तरह से मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी, और जब तक वो अंदर का कैबिनेट सूख रहा है तब तक जो गड़े में पानी भर रखा है, ये सारे गड़े मैंने कल ही भरे थे, और कल जब वापस नल आएंगे ना तब मुझे दूसरे जो बर्तन है वो मुझे भरने, तो वो सब मैं क्लीन करूँगी। और जो गड़े भरे हुए हैं उनको मैंने अच्छे से बाहर से क्लीन कर दिया है, क्योंकि आटा भी हम उसी कैबिनेट में रखते हैं, तो आटा छानते हैं और वापस जब छलनी अंदर रखते हैं ना तब थोड़ा बहुत आटा उड़ जाता है, तो उसी वजह से उस कैबिनेट के अंदर गंदगी होती है, अदरवाइज़ पानी की तो कोई गंदगी नहीं होती है। तो वो कैबिनेट मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। उसके बाद जो पानी के बर्तन हैं उनको भी मैं अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छी तरह से क्लीन करूँगी। अगर हम टाइम टू टाइम ये बर्तन क्लीन नहीं करते ना तो एक गंदी सी स्मेल भी आने लगती है, और जो पानी का बर्तन है ना वो अंदर से एकदम चिकना चिकना हो जाता है। तो मैंने आज अच्छे से बर्तन क्लीन कर दिए, और ओवरनाइट पड़े रहेंगे तो अच्छे से सूख भी जाएंगे, और मॉर्निंग में जब 7 बजे पानी आएगा ना तब मैं बर्तन फिर से भर दूंगी। तो इस तरह से पानी का रोटेशन अब मैं चलाती ही रहूँगी, मतलब धीरे धीरे एक एक काम की मेरी मतलब हैबिट चेंज होती जा रही है, और धीरे धीरे मेरा काम सेट होता जा रहा है सारा। तो अब मेरे सारे बर्तन वगैरह क्लीन हो गए हैं, तो लास्ट काम मेरा रहता है डस्टबिन वगैरह क्लीन करने का, वो सिंक क्लीन करने से पहले। तो डस्टबिन का जो भी कचरा था वो मैंने बाहर रख दिया है, और डस्टबिन को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, और अब मैं सिंक एरिया क्लीन करने के बाद मेरा किचन का सारा काम ख़त्म होने वाला है। और आज मुझे ये सब क्लीनिंग करते करते एक घंटा तो पूरा हो ही गया था, अदरवाइज़ तो 20-25 मिनट में काम हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर दी इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया मुझे।
किचन में सिंक एंड सिंक एरिया बहुत ही ज़्यादा क्लीन होना चाहिए। नाइट में तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ, अच्छे से पहले वॉश भी करती हूँ, लिक्विड वगैरह डाल के जो डिश वॉश जेल होता है ना वो सब डाल के अच्छे से क्लीन करती हूँ, और उसके बाद पोछे से भी अच्छे से क्लीन करती हूँ ताकि अच्छे से सूख जाए और कोई भी कीड़े मकोड़े वगैरह नहीं आए। कुछ भी मतलब बिल्कुल भी सिंक एरिया में गंदगी होती है ना तो बहुत सारे छोटे छोटे से मच्छर पता नहीं कहाँ से पनप जाते हैं और फिर खाने वगैरह पर बैठ के खाना ख़राब करते हैं। तो इस तरह से सभी तरफ से मैं अच्छे से वाइपर से साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद मैं पोछे से भी अच्छे से क्लीन करूँगी और पोछा वही मैं घुमाऊँगी जो फिनाइल के पानी वाला पोछा है ना उसी से मैं साफ़ करूँगी, तो जो भी छोटे मच्छर वगैरह हैं सब भाग जाएंगे और दूसरे मच्छर आएंगे भी नहीं। और इस तरह से सारी क्लीनिंग हो गई, उसके बाद जो भी मैंने बर्तन क्लीन किए थे ना वो भी थोड़े बहुत सूख गए तो उनको मैंने फिर से कैबिनेट में ही उल्टा करके रख दिया। और उसके बाद लास्ट काम मैंने झाड़ू लगा के और लगा दिया किचन में पोछा। और ये देखिए पापा कर रहे हैं, एक मटकी में छोटा सा छेद हो गया है और अभी वैसे भी ज़्यादा ठंडे पानी की ज़रूरत नहीं है तो नई मटकी तो हम नहीं निकालेंगे और उसी के ऊपर हल्की सी सीमेंट पापा ने लगा दी है। तो ये है इंडियन जुगाड़, तो मटकी थोड़े दिन और चल जाएगी। और देखिए मेरा चमचमाता हुआ प्यारा सा किचन। और अब मैं आपके साथ एक हेयर टॉनिक शेयर कर रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ हेयर मास्क जो कल मैं अपने बालों में लगाऊंगी। तो उसको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून मेथी दाना, 1 टेबलस्पून कलौंजी के बीज, 1 टेबलस्पून अलसी के बीज और थोड़ा सा आधा चम्मच में डाल दूँगी चावल और पानी डाल के ओवरनाइट भिगो के रखूँगी। और कैसे क्या करूँगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जल्द ही लौटूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।